दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पर आईसीसी ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन उन्हें 1 साल की रियायत भी मिल गई है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा शाकिब अल हसन के बारे में, कौन है, उन पर आईसीसी ने प्रतिबंध क्यों लगाया, पहले 2 साल का प्रतिबंध लगा, 1 साल की रियायत क्यों दी गई, पूरा मामला क्या है। दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर और बांग्लादेश के टेस्ट T20 कप्तान शाकिब अल हसन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने 29 अक्टूबर को शाकिब पर एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन के मामले में ये बैन लगाया है। शाकिब अल हसन बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी या फिर फील्डिंग, T20 हो या वनडे या फिर टेस्ट मैच, क्रिकेट के हर फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन गजब का है। 24 मार्च साल 1987 को जन्मे शाकिब अल हसन लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं और धीमी गति से गेंद फेंकते हैं। शाकिब ने अब तक कुल 56 टेस्ट मैच, 206 वनडे मैच और 76 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उनका एक पारी में सर्वाधिक स्कोर 217 रन है। वनडे में 134 रन नॉट आउट और T20 में 84 रन बेस्ट स्कोर है। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने टेस्ट मैच में अब तक 210 विकेट, वनडे में 260 विकेट और T20 में 92 विकेट ले चुके हैं। शाकिब अल हसन पर आरोप है कि उन्होंने सट्टेबाजों के उनसे संपर्क करने की जानकारी ICC या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं दी थी। शाकिब ने इन आरोपों को माना और बैन को स्वीकार किया। हालांकि इन 2 साल के प्रतिबंध में से 1 साल का बैन ICC ने निलंबित कर दिया है, क्योंकि शाकिब ने माना कि उनसे सट्टेबाजों ने संपर्क किया था और वो उसकी जानकारी बोर्ड या ICC को देने में नाकाम रहे। ICC के बयान के मुताबिक शाकिब ने एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल की सुनवाई के बदले आरोपों को स्वीकार किया और ICC के प्रतिबंध पर राजी हो गए। बैन के निलंबित हिस्से से जुड़ी शर्तों को पूरा करने पर शाकिब 29 अक्टूबर 2020 से दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू कर सकते हैं। प्रतिबंध लगने के बाद शाकिब अल हसन ने कहा कि वो इससे निराश हैं, क्योंकि वो इस खेल से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इस सजा को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, मैं इससे बेहद दुखी हूं, क्योंकि मैं इस खेल से बेहद प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस मामले की रिपोर्ट करने में नाकाम रहा, इसलिए सजा को स्वीकार करता हूं। ICC की ACU खेल में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए खिलाड़ियों पर निर्भर है और मैं इस मामले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। शाकिब ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि क्रिकेट में भ्रष्टाचार न हो और इसको लेकर ICC का सपोर्ट करने के लिए वो तैयार हैं। दुनिया भर के खिलाड़ियों और फैंस की तरह मैं भी चाहता हूं कि क्रिकेट भ्रष्टाचार से मुक्त रहे और मैं ICC ACU की टीम के साथ काम करने को तैयार हूं और युवा खिलाड़ियों के लिए शिक्षित करने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनने को तैयार हूं, ताकि वो भी मेरी तरह ये गलती न करें। ICC के बयान के मुताबिक जनवरी 2018 में बांग्लादेश, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई ट्रायंगुलर सीरीज के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग के मैच से पहले सट्टेबाजों ने शाकिब से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी ICC की ACU को नहीं दी। तो ये पूरी जानकारी थी शाकिब अल हसन और उन पर लगे प्रतिबंध के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी दूसरे खिलाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे नाम लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप सबसे पहले देख पाएँ।